हेलो एवरीवन, खमागनी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पे एक स्वीट डिश शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बनाई है ब्रेड से रस मलाई जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है मैंने इसको। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक पतीला लिया है जिसके अंदर मैं गर्म दूध डाल रही हूँ। आप चाहो तो ठंडा दूध भी डाल सकते हो और पतीले की जगह चाहो तो आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो। जब दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया तो जो ऊपर की जो मलाई थी वो मैंने साइड में कर दी और उसके बाद में इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ केसर के दाने ऐड किए जो कि बहुत अच्छा कलर देते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर येलो कलर का फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कलर देता है। कलर से ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने केसर ऐड किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक कप जो मिल्क पाउडर होता है वो यूज़ किया। ये इस जो डिश है उसको बहुत अच्छी स्वीटनेस भी देता है, साथ ही में एक थिकनेस देता है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी मिलता है। तो मिल्क पाउडर आपको यहाँ पे ज़रूर यूज़ करना है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मिल्क पाउडर डालते ही इसे रेगुलर मिलाइएगा ताकि उसके लम्स ना रहें। और जब मिल्क पाउडर अच्छे से इसके अंदर मिल जाए तो फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चीनी का। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी यूज़ कर सकते हैं, मिश्री यूज़ कर सकते हैं। तो और जब चीनी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो गई तो मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ये जो ब्रेड मैंने यूज़ करी है ये ब्रेड के सबसे ऊपर का पार्ट है जो एक तरफ से ब्राउन आता है। आप चाहें तो इस तरह का पार्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ब्रेड को थोड़ा सा सेक लें उसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दें। और ये बहुत ही अच्छा लच्छे वाला काम करता है, जो मलाई के लच्छे होते हैं उसका काम करती है ये ब्रेड इसके अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो आप इस तरीके से इसको बिल्कुल बारीक बारीक करके दूध के अंदर डाल दीजिए। और पीसना नहीं है इसे, इसे आपको अपने हाथ से ही क्रश करके और फिर डालना है और अच्छे से बॉईल होने देना है। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद में मैंने इसको 2-5 मिनट तक बहुत अच्छे से बॉईल किया जिससे कि जो ब्रेड्स थी वो बहुत अच्छे से मेल्ट होके इस पूरे दूध के अंदर अच्छे से मिल गई और बिल्कुल अच्छे वाले जैसे लच्छे मुझे चाहिए थे वैसे लच्छे इसके अंदर उसने बना दिए। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो गया तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाले थे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे काजू और पिस्ता के थोड़े से बारीक बारीक कट करके और वो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए थे। तो आप भी चाहें तो सेम ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, इनको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। स्किप तो मत कीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स रस मलाई के अंदर। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उनको अच्छे से मिलाइए, अच्छे से बॉईल कीजिए 1-2 मिनट और उसके बाद में आप इसको बंद कर दीजिए। आपका रस मलाई का रस बिल्कुल रेडी है। आप इसको बंद कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए और जब ये ठंडा हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, अब स्टेज आती है इसको चिल्ड करने की। तो मैं इसको पूरा, ये जो रस मैंने बनाया है, ये जो रस मलाई पूरी मेरी बन के रेडी हो गई है, इसको मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। आप चाहें तो फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर रखोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और फ्रीज़र में 1/2 आवर के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर और इसके बाद में मैं बाकी प्रोसेस पे चली गई थी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने नॉर्मल वाइट ब्रेड ली है, उसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको राउंड शेप में कट करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इस तरीके से राउंड शेप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से इसकी जो एजेस हैं वो हटा दीजिए और इसको बीच में से 2 कट कर दीजिए। तो आप चाहें तो ये शेप भी ले सकते हैं। शेप ब्रेड के आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने इन ब्रेड्स को अच्छे से इसके अंदर फिल करना था, जो रस मैंने बनाया था उसके अंदर अच्छे से डिप करना था। तो उसके लिए मैंने पहले मेरा रस डाला है और 1 चम्मच रस डाल के फिर मैंने जो ये ब्रेड्स थी मेरी इनको इसके ऊपर रखा है और ऊपर से दोबारा रस डाल के इसको अच्छे से कोट कर दिया है। एक तरीके से बहुत अच्छे से ब्रेड की कोटिंग करनी है और उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग करके 1 से 2 मिनट तक आपको रखना है और उसके बाद में आप इसको बहुत अच्छे से मज़े लेके खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी रसमलाई है और बिल्कुल रसमलाई का फ्लेवर देती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।